मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख जीतू पटवारी ने कहा आज राष्ट्रपति मध्य प्रदेश में है। मैंने उन्हें एक पत्र लिखा था, मध्य प्रदेश में 18 बहनों का रोज बलात्कार होता है। आज 3 साल की मासूम के साथ भोपाल में बलात्कार हुआ। मध्य प्रदेश की सरकार विफल रही है। ये कानून भी बना, उसकी वाहवाही भी ली गई, उसके बाद भी सबसे ज्यादा बलात्कार मध्य प्रदेश में होते हैं। राष्ट्रपति महोदया, अगर सरकार से सवाल करेंगी तो शायद व्यवस्था सुधरेगी। आज देश की सर्वोच्च पद पर बैठी हुई आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया मध्य प्रदेश में है। मैंने उनको एक पत्र लिखा था कि आपने बंगाल की घटना के बाद जो चिंता व्यक्त की थी वो संवेदनता आपकी बताती है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर 18 बहनों का रोज बलात्कार होता। आज ही जब आप मध्य प्रदेश में आ रहे हैं तभी 3 साल की मासूम के साथ भोपाल में बलात्कार हुआ, और ये बलात्कार की घटनाएं रोज दिन पे दिन बस से बदतर स्थिति है मध्य प्रदेश की। तो स्वाभाविक है कि मध्य प्रदेश की सरकार इसमें विफल रही है। यहाँ कानून भी बने, उसका बखान भी हुआ, यहाँ पे उसकी वाहवाही भी ली गई। पूरे देश में शिवराज जी अब गए हैं तो वो यहाँ के कानूनों की दुहाई देते हैं, पर सबसे ज़्यादा उसके बाद भी बलात्कार देश में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होते हैं। तो राष्ट्रपति महोदया ध्यान दें, आप भी अगर संवेदनता आपकी दिखी, सरकार से सवाल पूछेंगी तो शायद व्यवस्था सुधरेगी। रामबन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार राकेश ठाकुर ने कहा, मैंने मतदान किया है। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में सिर्फ विकास के काम हो रहे हैं और चुनाव में उन्हीं विकास के कार्यों को लेकर हम लोगों के बीच में गए। जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बनेगी। देखा, अभी अभी मैंने वोट डाल के मैं आया, जो के हमारे अपने रामन कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं, लगभग हमारी 40% वोटिंग अभी तक हो चुकी है और आने वाले शाम 6 बजे तक रामन में लगभग 70-75% पोलिंग हो रही है। ये ऐतिहासिक है कि जम्मू कश्मीर में अगर इतनी पोलिंग पूरे में, रामन कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं, चुनाव वैली की बात करूं, जो ये परसेंटेज है पहली बार जम्मू कश्मीर में हो रही है। आपने देखा, धारा 370 और 35 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में सिर्फ विकास के विकास काम हो रहे हैं। अगर उन्हीं विकास के कामों को लेके हम लोगों के बीच इलेक्शन में गए, आपने देखा 10 सालों में जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किया, आने वाले जो 5 साल में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार बनके जो विकास के काम अभी रुके हैं उन विकास के कामों को पूरा करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, विपक्ष सपने देख रहा है, लोगों को उनके भ्रष्टाचार ध्यान में है, इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, ये लोगों को खुश नहीं करते, ये दामाद को खुश करने में लग जाते हैं, विपक्ष में द्वंद है, भाजपा में कोई नाराज नहीं है, सभी कमल के फूल के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस सपने देख रही है, लोगों को ध्यान में उनके भ्रष्टाचार, उन्होंने जो प्रताड़ित किया, उन्होंने जो लाइन में खड़ा किया, लोगों को 3-3 दिन में गैस का सिलेंडर मिलता था, ये कैसे दावा कर रहे हैं, इनका तो सुपड़ा साफ होने वाला है, ये भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए, ये तो दामाद को खुश करने के में लग जाते हैं, ये लोगों को नहीं खुश करते, दामाद को खुश करते हैं। पदर नागसैनी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार सुनील शर्मा ने कहा, मैं मतदाताओं को मुबारकबाद देता हूँ, आज जिस प्रकार से लोग घरों से बाहर निकलकर मतदान कर रहे हैं, स्पष्ट संकेत है कि लोकतंत्र पर लोगों का बहुत विश्वास है। मैं सबसे पहले अपनी तरफ से सभी किश्तवाड़ और इस पूरे जिला डोडा की इन 8 सीटों पे जहां पे चुनाव हो रहा है, मैं यहां के मतदाताओं को, आम जनमानस को मुबारकबाद देना चाहूंगा। जिस प्रकार से आज लोग घरों से बाहर निकल के वोटिंग कर रहे हैं, कहीं न कहीं अपने मत अधिकार का वो उपयोग कर रहे हैं, सीधे स्पष्ट संकेत है कि लोकतंत्र पर लोगों का बहुत ज़्यादा विश्वास है। और जिस प्रकार से भारी मतदान हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद समाचार है। लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए ही ज़्यादा संख्या में वोट करते हैं, क्योंकि प्रीवियस में आपने देखा होगा, जब यहाँ पे कम परसेंटेज हुई तब यहाँ पे कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी ने बाजी मारी, क्योंकि उनको आतंकवाद, अलगाववाद और पत्थरबाजों को का संरक्षण मिलता था, उनकी लेटर पेड पे लेटर्स जाते थे कि भाई इनके हक में वोट करो अन्यथा वोट नहीं करो, तो परसेंटेज कम होती थी। आज आतंकवाद पे जिस प्रकार से कड़ा प्रहार हुआ है, अलगाववाद नेस्तानाबूद हुआ है, आज कोई लेटर पेड नहीं जाता, आज कोई फतवा नहीं जाता, आज लोग खुले दिल से चुनाव में भाग ले रहे, मतदान में भाग ले रहे, और सीधे सीधे ये नरेंद्र मोदी जी के प्रति समर्थन और समर्थन।
शंघस निर्वाचन क्षेत्र में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार रियाज अहमद खान ने कहा, लोगों में उत्साह है, वोट डालने के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोगों को समझ में आ गया है कि ये वोट बहुत जरूरी है। आज का वोट खामोश इनकलाब के लिए है। मैं सभी से अपील करता हूँ कि घरों से निकलें और वोट करें। जहाँ तक ये शंघस ईस्ट का ताल्लुक है, यहाँ लोगों में जज्बा और जोश मैंने हर जगह पाया। जहाँ जहाँ मैं सुबह से गया, बड़ी बड़ी कतारें लगी हुई हैं। शायद लोगों के दिल में या ये बात दिमाग में बात आ गई है कि आज का वोट बहुत कीमती है, क्योंकि इस वोट को बहुत काम करना है। पहले अपने तशख्स के लिए, फिर ज़मीन के बचाव के लिए, फिर रोज़गार के लिए, और जो मुराद हमें थे 370 के वो हासिल करने के लिए, और तैमूर तारीख के लिए आज का वोट है। इसीलिए लोग जो निकलते हैं एक त्यौहार की तरह इस दिन को मना रहे हैं।